में मैंने एक चीज रियलाइज किया सर, फौज में अगर आपका इंटेंशन गलत नहीं है और अगर आप ऐसे मस्ती करते रहते हो, इवन एज एन ऑफिसर सर मैंने बहुत ऐसे किए, आपको तो पता है लेफ्टिनेंट कैप्टन इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू कैडेट, वो फक मारेंगे ही मारेंगे, नहीं सर आपके अंडर कितने मारे होंगे, आपके अंडर मारे होंगे, आपको पता होगा कि आई हैव सीन सर एवरी सीओ हु इज अ गुड सीओ, मतलब जो अच्छे सीओ मुझे मिले हैं सर, उनका मैंने एक ही चीज एटीट्यूड देखा है कि ठीक है यार ये तो मेरा लेफ्टिनेंट साहब है, ये तो ऐसा करेगा ही करेगा, इसको चार नाइट ड्यूटी लगाओ, बाकी तू जो करना है कर। मेरे किसी एनसीआई ने एक पंगा कहीं कुछ कर दिया, एक कुछ वो हो गया तो ब्रिगेड कमांडर वाज वेरी अपसेट, ही गेव मी अ कॉल, यस लुक एट दिस, दिस इज अ वे यंग ऑफिसर। मैंने कहा सर अब नहीं करेगा तो कब करेगा, अब नहीं करेगा तो कब करेगा, और मैंने कहा सर रिमेम्बर आवर टाइम्स, रिमेम्बर आवर टाइम्स, आई थिंक वी शुड लेट देम बी, तभी तो ये बोल्ड, अगर ऑडेशियस होगा बोल्ड होगा तभी तो लड़ाई में कुछ काम करेगा, अगर इनको सीधा साधा ऐसा बना देंगे ये क्या करेंगे फिर लड़ाई में, जो गोलियां चल रही होंगी। सो ही सर जी आई टेक योर पॉइंट 100% सर, एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि चाहे हमारे सीईओ हमको बुला के कितना भी बोल दे, मैंने देखा है सर CEOs will call you and tell you कि you have done a great mistake, you're not supposed to do it, next time करोगे तो तुम पे disciplinary action होगा, ये होगा। और मैंने भी realize किया कि मेरे को हर 7 दिन में ऐसा lecture मिलता था कि तेरे ऊपर अगली बार disciplinary action होगा, पर होता कुछ नहीं था। So then I realized that is why I mean I think army में commanders they have that ability to tolerate and they understand कि यार हमने भी तो किया था, ये करेंगे। एंड so, कई बार क्या होता है, यू डू थिंग्स, आई रिमेम्बर मैं स्पोर्ट्समैन था और मैं बहुत पैशनेट था अपनी टीम के लिए, मेरी कंपनी के लिए, एंड आई वाज अ वेरी यंग कंपनी कमांडर और किसी बात पे ना स्पोर्ट्स में भयंकर टेंशन हो गया, सारे कंपनी कमांडर मेरे से सीनियर थे और कोई बात होगी तो उन्होंने TYC ने मेरी बुलशिट मारने की कोशिश की, What do you mean? ये बड़ी stupid. मैंने कहा सर आई एम अ कंपनी कमांडर, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। तो वो ना ही टुक अ फ्रेंड, उसने उसे सीओ को बोल दिया, सीओ ने बोला व्हाट डू यू व्हाई आर यू बिहेविंग, मैंने कहा सर यू आर सीओ, आई एग्री, आई सल्यूट यू, बट दिस इज स्पोर्ट्स और ये मेरी कंपनी का मामला है, आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी नॉनसेंस फ्रॉम एनीवन, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ सीनियोरिटी हियर। वो सारे हिल गए और बड़ा टेंशन हो गया, और नेक्स्ट डे व्हेन आई मेट द सीओ ही सेज आई लाइक योर एटीट्यूड, जवान देख रहे हैं यार, जवान सा सीन कि दिस मैन हैज अ फाइटर, ये लड़ेगा, ये डरता नहीं किसी से। एब्सोल्युटली सर आई थिंक कमांडर्स हु कैन डू दैट, आई मीन, एंड सर लेफ्टिनेंट कैप्टन, आई मीन मुझे तो लगता है जो ब्रिगेडियर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल ऑल दोस जो भी है फौज में, वो सिर्फ दो ही लोगों से, आई मीन फौज दो लोगों से डरती है, एक जो सभी है बीच वाले वो अपने जनरल से डरते हैं, और जो जनरल्स हैं वो लेफ्टिनेंट से डरते हैं, उनको पता है कि भाई ये लोग ऐसा कुछ कांड करेंगे जो कि संभालना मुश्किल हो जाएगा, एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ फौज सर। बहुत हम जब सेकंड लेफ्टिनेंट थे ना रुद्रशीष, हम तो रहे 2 साल सेकंड लेफ्टिनेंट रहे, फिर 3 साल लेफ्टिनेंट रहे, फिर कैप्टन बने, तो जब तक हम कैप्टन नहीं बने ना, हमारे एक क्वालिटी थे बॉस थी, कहते यार पंगा सिर्फ सेकंड लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट ले सकता है, मैं क्यों सर, कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें अस्पताल में तो बना नहीं सकते क्योंकि यू आर कमीशन्ड ऑफिसर, दे कांट रिड्यूस यू टू द रैंक, तो तुम्हारा ये रैंक जो इससे नीचे तुम जा नहीं सकते हो, जो मर्जी करो। तो आई रिमेम्बर ये सबसे बिंदास रैंक है, इसमें मजे ले लो, पंगे ले लो, बाद में ठीक हो जाना जब टाइम आएगा। सर मैं जब इन्फेंट्री से लौटा था ना अपने अटैचमेंट करके उसमें, तो मेरा सीओ इतना तंग हो गया था, बोलता है कि यार तू मेरे से पहला ही दिन ना पूछा कि यार यू आर विच यूनिट, ऐसे ना बड़ा सीरियसली, जब मैंने थोड़ा मतलब क्या हुआ, मेरा पहला दिन ऑफिस में था, एंड व्हाट हैपेंड 8:30 ऑफिस का टाइम था, तो 8:25 आई वाज गोइंग, बट मुझे पता नहीं था कि मेरा सीओ 8:20 को जाता है, पहला दिन था, तो मैं उनके पीछे बुलेट लेके जा रहा था, तो सामने मैंने जिप्सी देखा, मैंने रियलाइज नहीं किया सीओ का जिप्सी है, तो मैंने 3-4 हॉर्न मारा, और जाते वक्त मैं पूरे स्पीड से ले जाके ऐसे ड्राइवर को लुक देता हुआ गया कि यार हटा दिया कर जब मैं जा रहा हूँ, तो मैंने नोटिस नहीं किया और मैं निकल गया। तो सीओ ने ऑफिस में बुला के मुझे ना पूरे गुस्से से पूछा, यू विच यूनिट, यू आर इन विच यूनिट, तो मैंने बोला सर 6 सिखलाई,
मेरा 7 सिकलाई और 6 सिकलाई में अटैचमेंट किया था, तो मेरा लास्ट यूनिट 6 सिकलाई, तो मैंने बोला सर 6 सिकलाई। वेरी नाइस पोज में वो 2 मिनट तक चेयर में बैठा रहा। नेक्स्ट टाइम सी इफ द जिप्सी इज सीओज जिप्सी नोटिस एंड देन हॉन्क। बोला सर ओके सर चला गया मैं। तो मतलब हैड अ वंडरफुल टाइम सर, मतलब ग्रेट रुद्रशीर, व्हाट अ फन। जस्ट लिटिल चैट विद यू, मैं चलता हूँ, यू कंटिन्यू, बट मतलब तेरे साथ मजा आता है। लेट्स डू वन डे ऑर्गेनाइज, एक दिन और ऑर्गेनाइज करके करते हैं। 100% सर, 100% आफ्टर द रिलीज ऑफ जर्सी वी कैन जस्ट हैव अ लाइव सेशन सर। या या, लुक फॉरवर्ड टू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। ये पिक्चर मैं जरूर देखूंगा, कोई और देखो ना देखो सर। 100% देखना सर, और मैम को ले जाके देखना सर। इट्स रिलीजिंग ऑन 31st सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू। ओके सर, थैंक यू सर। जय हिंद सर, बाय बाय, सी यू। जय हिंद। So guys, I think we had a wonderful session, and I'll take your leave because now other people are also, you know, coming and enjoying their time by the pool. So bye, take care.